16 नवंबर को नीतीश कुमार ने सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन कुछ दिनों बाद ही विपक्ष की ओर से दावा किया जाने लगा कि नीतीश कुमार की सरकार कुछ ही दिनों में चली जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू की ओर से दावा किया गया कि विपक्ष अपना घर संभालें क्योंकि उसके घर में सेंध लगने वाली है। सेंधमारी की बातें तो आरजेडी ने भी की और कांग्रेस ने भी, लेकिन दावे थे मकर संक्रांति आने के। मकर संक्रांति बीत चुकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के इन तमाम दावों का क्या हुआ, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जेडीयू अध्यक्ष का दावा, महागठबंधन में जल्द होगी बड़ी टूट। कांग्रेस नेता का दावा, जेडीयू में होगी बड़ी टूट। आरजेडी का दावा, बीजेपी और जेडीयू में होगी बड़ी टूट। बस खड़मास गुजर जाने का इंतजार। दरअसल कुछ दिनों से बिहार में इन दावों का ही खेल चल रहा था, जिसके मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है। खड़मास खत्म होने दो, बहुत जल्द आपको महागठबंधन में टूट मिलेगी, बस वक्त का इंतजार कीजिए। एनडीए के नेता इस मुहिम में लगे हुए हैं। इसी के साथ ही बिहार कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने भी दावा किया कि कांग्रेस के आधे से अधिक विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि पार्टी में जल्दी ही बड़ी टूट होगी और 11 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, दरभंगा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद ने तो जेडीयू में टूट की बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि जेडीयू के 15 से ज्यादा विधायक यूपीए के संपर्क में हैं और जल्दी ही जेडीयू टूटेगी और बिहार में यूपीए की सरकार बनेगी। अब इन सभी के दावों में इंतजार था खड़मास खत्म होने का और शुभ दिन यानी मकर संक्रांति के आने का, लेकिन अब तो खड़मास के साथ साथ मकर संक्रांति भी जा चुकी है, लेकिन किसी भी दल का दावा सच साबित होता नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन अब ये क्यों टल रहा है, इसे लेकर एनडीए में खामोशी छाई हुई है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।